इस शख्स की हैं 16 पत्नियां और 151 बच्चे। मरने से पहले पैदा करना चाहता है हजारों संतान। आपको जानकर यह हैरानी होगी कि अफ्रीका महाद्वीप पर स्थित देश जिम्बाब्वे में एक शख्स की 16 पत्नियां हैं। इतना ही नहीं, यह शख्स अपनी 17वीं शादी करने की तैयारी कर रहा है। इस शख्स ने अब तक कुल 151 बच्चों को पैदा किया है। वहीं इसकी ख्वाहिश है कि ये 100 शादियां करे और 1000 संतानों को जन्म दे। शख्स की उम्र 66 वर्ष है। आने वाले समय में संभावना जताई जा रही है कि अफ्रीका के कई देशों में हैरतअंगेज ढंग से जनसंख्या बढ़ सकती है। वहीं दूसरी तरफ जिम्बाब्वे के इस शख्स का कहना है कि मेरा काम अपनी पत्नियों को शारीरिक रूप से संतुष्ट रखना और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को पैदा करना है। इस शख्स का नाम मिशेक न्यांदोरे है। इन दिनों मिशेक की चर्चा हर तरफ हो रही है। मिशेक बताते हैं, इनकी कई पत्नियां बूढ़ी हो गई हैं, जो उनकी सेक्स ड्राइव से मेल नहीं बैठा पाती। इस कारण उन्हें युवा महिलाओं से विवाह करना पड़ता है। मिशेक अपना ज्यादातर समय अपनी पत्नियों के बीच ही व्यतीत करते हैं। मिशेक का कहना है कि वह मरने से पहले अपने 1000 बच्चों को पैदा करना चाहते हैं। मिशेक न्यांदोरे और उनका विशाल परिवार जिम्बाब्वे के मशोनालैंड सेंट्रल प्रांत के बाय जिले में रहते हैं। मिशेक न्यांदोरे का एक निश्चित शेड्यूल है, जिसमें वह हर रात अपनी 4 पत्नियों को शारीरिक तौर पर संतुष्ट करते हैं। मैं मिशेक बताते हैं कि मेरे पास कोई नौकरी नहीं है, इसलिए मैं केवल अपनी पत्नियों को ही खुश करने का काम करता हूँ। वहीं दूसरी तरफ मेरे 150 बच्चे हैं, इस कारण मुझ पर कोई आर्थिक दबाव भी नहीं पड़ता। बच्चे ही काम धंधा कर घर को चलाते हैं, मुझे गिफ्ट दे। इस परिवार की आय का मुख्य स्रोत खेती है। मिशेक के 6 बच्चे जिम्बाब्वे की राष्ट्रीय सेना में सेवाएं दे रहे हैं। मिशेक की 13 बेटियों की अब तक शादी हो चुकी है। बता दें कि इस शख्स ने अंतिम बार 2015 में अपनी शादी रचाई थी। अब मिशेक फिर से की सोच रहे हैं।